मरकरी माइक में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत। लोकसभा का चुनाव लगातार चल रहा है, प्रचार शुरू हो चुका है, प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का भी संकल्प पत्र सामने आ गया है। 19 अप्रैल को पहला चरण लोकसभा चुनाव का होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर यह चुनाव है, लेकिन उससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसी संगीत सोम नाम के व्यक्ति ने भाजपा के खेमे में खलबली मचा दी है, जिस नाम से 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर दंगों के नाम पर एडवांटेज लिया था। मुझे याद है विजय शंख नाद रैली कोठी मीना बाजार में होनी थी, और उससे ठीक एक दिन पहले तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आगरा से घोषणा की थी कि मोदी जी की रैली में संगीत सोम और सुरेश राणा, इन दोनों का सम्मान होगा। ये दोनों ठाकुर चेहरे थे, लेकिन उस समय कोई जाति नहीं थी, हिंदुत्व का चेहरा था। भाजपा जिस हिंदुत्व के सहारे सत्ता में आना चाहती थी, 2012 में सरधना थे चुनाव जीतने वाले संगीत सोम उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरे हिंदुत्व के। लेकिन 2024 आते आते 10 साल के बाद स्थिति क्या है? जिस संगीत सोम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम से अपना प्रचार शुरू किया था, आगरा के मंच पर संगीत सोम और सुरेश राणा का सम्मान किया था, आज वही संगीत सोम भाजपा के लिए गले की हड्डी बन गए हैं, या यूं कहें गले की फांस बन गए हैं। आखिर क्षत्रियों में बौखलाहट क्यों है? किसान क्यों भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर रहा है? गुजरात की बात हो, राजस्थान की बात हो, या फिर बात हो उत्तर प्रदेश की, वजह क्या है? जिस किसान आंदोलन में जब दिल्ली में बैठकर पंजाब और हरियाणा के किसान धरना दे रहे थे, उस वक्त एक किसान नेता भारतीय जनता पार्टी की सिफारिश में थे, आज वो भी मुखालफत में है, वजह क्या है? मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी हाल ही में क्रांति दल बनाने वाले भानु प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अचानक क्यों डगमगाई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा पहला सवाल, भानु प्रताप सिंह जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार की सिफारिश कर रहे थे अब से 3 साल पहले, अचानक क्या परिवर्तन हुआ है? आपने अब से 1 महीने पहले संगीत सोम और तमाम क्षत्रिय मुखालफत तो बाद में सामने आई है, सबसे पहले इंकलाब आपने किया सरकार के खिलाफ, कहा किसानों के मुद्दों पर बात नहीं कर रही सरकार, मैंने जो मांगे रखी थी उसको पूरा नहीं करी, पूरी वजह क्या है बताइए। ऐसा है, भारतीय किसान भानु का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और ब्रज के बिरख संत पूजनीय रमेश बाबा जो प्रयागराज के ब्राह्मण हैं और ब्रज के बिरख संत हैं, उन्होंने 2011 में मुझे भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर 2011 में इलाहाबाद से और जंतर मंतर तक ऐसे ही 12 में ऐसे 13 में भेजा था, किसान बचाओ, यमुना बचाओ, गंगा बचाओ और ब्रज की संस्कृति बचाओ। लेकिन कांग्रेस ने जब कुछ नहीं माना था तो बाबा ने मुझसे कहा था कि कह दो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। मैंने बाबा से कहा, मैंने बाबा ये कहना तो है सरल, लेकिन जिसकी सत्ता होती है उसका ही दिखता है सब। मैंने कहा 10 साल से मनमोहन अड़े हुए हैं, भाजपा को लाना बड़ा मुश्किल सा है। बोले ले, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, ब्रज का संत आशीर्वाद देता है, पहली बार तू जिसको जिताना चाहेगा वही जीतेगा और हराना चाहेगा वही हारेगा। बस फिर हमने कह दी कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। उधर प्रधानमंत्री चिल्ला रहे थे बंडे से पहले, हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका जो हो गया के यही प्रधानमंत्री बनेंगे, माननीय राजनाथ सिंह ने घोषणा कर दी, सबको छोड़ा राजनाथ सिंह ने, सबको छोड़ दिया, केवल कह दिया नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। तो वो चिल्ला रहे थे
कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण बहन और भाइयों मैं किसान की कर्जी माफ कर दूंगा और आमदनी दोगुनी कर दूंगा, किसान आयोग का गठन कर दूंगा और बाहर से काला धन लाके गरीबों में बांट दूंगा। कुछ तो महिलाएं हमने बिना पढ़ी लिखी ऐसे कहती सुनी थी कि बेटा अब काय को चिंता कर रही हो, अब तो भैंसियां आमेंगी। वे भैंसियां कहाँ थी आमेंगी कि पचोखराई पहन थे लांगे प्रधानमंत्री, कालो धन भैंसी तो होते हैं तो बांटेंगे। न तो कालो धन आयो, न पीरो आयो, न भूरो आयो, न लालो आयो, नोटबंदी आई। नोटबंदी से कह रही मोड़ पर रहते हैं अरविंद सिंह ठाकुर साहब, उनके यहां हम गई थी, मैंने कही तुम्हारी तो बड़ा ठाटा है। नोटबंदी के बाद बोले भैया मर गए सब बिक गो और आलू किसान मर गया, प्रॉपर्टी डीलिंग मर गए। प्रधानमंत्री से जवाब चाहता था मैं कि नोटबंदी क्यों की गई, नोटबंदी से क्या फायदा था? और नोटबंदी से फायदा था 1000 का नोट बंद करने से, 2000 का चालू करने से यदि बहुत बड़ा फायदा था तो फिर 2000 का बंद क्यों कर दिया आपने जीते जी? लेकिन कोई जवाब नहीं है किसी के पास, न कोई सुनता है, न कोई मानता है, न कोई मिलता है। मेरे खुद के लड़के ने 35 साल के ने जब 17 में कह दिया था नोटबंदी से कर्जा हुआ, नोटबंदी से आलू फेंका, नोटबंदी से घोड़ी घोड़ा सब बिके, नोटबंदी से सब कुछ बिक गया, हमारा हम बर्बाद हो गए। 100-100 घोड़ी रखने वाला, 100-100 घोड़ी रखने वाला गधैया भी नहीं रही, 150-150 गाय भैंस रखने वाले पे कुछ नहीं रहा, देख लो जाके नगला सुखदेव जली सर हिटा। तो अब क्या स्थिति है, अब किसान क्या? अब स्थिति ये है, देखिए अति सर्वत्र वरसते जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धार प्लव विविध शरीरा, हरे कृपा ने सज्जन पीरा। जब रावण का त्रेता में अत्याचार हुआ तो भगवान राम प्रगटे और नंगा राम ने रावण का विध्वंस कर दिया। तो राम तो प्रकट अब हो गए 22 जनवरी को, यहाँ राम प्रकट हो गए 22 जनवरी तो राम नहीं छोड़ेंगे बेईमानों को। जो सत्ता में बेईमान होंगे, जो धर्म और जात के ऊपर राजनीति कर रहे होंगे, ऐसा ऐसा राजनीति कोई हो, भगवान राम का इतिहास रहा है प्रबल प्रेम की पाली पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भली टल जाए पर भक्त का मानन टल ले देखा। यदि हम भक्त होंगे, यदि हम भक्त होंगे तो हमारी बात चलेगी और राक्षसों की नहीं चलेगी। रावण भी क्या थे, उत्तम कुल पुलस्त कर दाती, शिव विरंच पूजे बहु भाती। और फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, इंद्र पर चढ़ाई कर दी, इंद्र को जीत लिया, सीता तो माता को चुरा लिया। तो अब तो कोई रावण नहीं है, अब तो अरे के भक्त हैं। हाय हाय किसान के भक्त कैसे मालूम पड़ा, बनावटी भक्त, सोने के मरद बन गए थे। कौन, मामा मारिच, मामा तो मारिच, मारिच की संज्ञा मुझे मुझे क्या बारे में कौन किया, तुम्हें जा रहा हूँ, तुम पढ़े लिखे आदमी हो क्या, है कोई ना कोई है मारिच है, कोई ना कोई रावण है। मैं कह देता हूँ सब चिल्लाते हैं भानु ये कर रहा है, भानु वो कर रहा है, भानु ने गाली दे रहा है, भानु ये कर रहा है। अरे मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, जब अत्याचार किया था दुर्योधन ने पांडवों के साथ, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, सारे जुआ में छीन लिए रथ हाथी घोड़े कुछ नहीं रहा, तो अर्जुन ने कहा था अन्याय का बदला लेने के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान होगा, गंभीर टंकुरे भरेगा, और कृष्ण भगवान बन गए थे उनके साथी, सब दुख मिट गए थे। और तो और इस युग में 200 साल अंग्रेजों का राज्य, और 200 साल के बाद सारी बैरिस्टरी खुटी पर रखे, जब नंगा गांधी निकला और कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत मेरा है, भारत मेरा है, तो अंग्रेजों की मुट्ठी इंग्लैंड में जाके खुली। इसलिए नंग बड़े परमेश्वर थे, हम भी नंगा हैं, जो हम कहेंगे सो होगा, कुछ नहीं हो सकता है। धर्म जाति और बेईमानी जो राजनीति नहीं चलने दूंगा, ये मेरा संकल्प है, तो चाहे कुछ हो जाए। तो आज के युग में गांधी कहां से लेके आओगे आप, कौन है गांधी? गांधी आ गए, राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हो क्या? राहुल का नहीं कर रहे समर्थन, गांधी आ गए, तुम ही गांधी हो।
मेरा सवाल आपसे ये है कि 400 पार का दावा है इस बार भाजपा 400 पार, भाजपा 400 पार, जब रिजल्ट खुले तब देखना कि भाजपा 400 पार के भाजपा 100 पार। तो भाजपा को रोकने की प्लानिंग क्या है आपके पास? हमारी कुछ प्लानिंग नहीं है, हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं और किसानों से कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, क्या दे आप आगे आने वाली पीढ़ी को, चाहते हो कि मुझे रोटी मिलती रहे, उसमें जमीन बनी रहे, तो इस भाजपा सरकार को केंद्र में मत आने देना। और आज अब आओगे तो तैसा मतलब कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सु तस बन चाका, लाभ तब भी लाओगे जबरदस्ती उनके लुभावने भाज बहनर भाई बहनर भाई सुनके लाओगे तो तैसा ही मजा पाओगे। हमने तो खूब जान लिया है, हमारा तो हमने सुना है कि केजरीवाल कदे जेल में और वो सिसोदिया कदे जेल में, संजय कदे जेल में, और इन पे अभी भेजिया नोटिस अखिलेश यादव पे, हम पे भेज दे नोटिस, बीच ने राखो का जो बैंक को और सगर अली को और सोसाइटी को और स्टेट बैंक को कनारा बैंक को सब कज्जी कज मांगे और घर का जो बिले को डाय खाई भी खू, सो ईडी दौरा दो चाहे सी डी दौरा दो चाहे जो करो, लेकिन कहो क्या तुम मतलब दबके रहो, दबके किसी से नहीं रहेंगे, हमें फांसी पे चढ़ा दो। आपने अलीगढ़ में घोषणा की कि क्रांति दल, क्रांति दल लड़ रहा है, लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा, और 1997 की बनी हुई पार्टी है, और अब हमने फिर दोबारा से चालू इसलिए की है कि हमें नहीं लगता कि कोई हमारी सुनेगा और कोई बात पूरी करेगा। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सब काम करेंगे, कोई नहीं किया, नोटबंदी कर दी, नोटबंदी में हमारा पुत्र मर गया, 35 साल का पुत्र ने आत्महत्या की, हमारा नाती और नातिन और पुत्र वधु विधवा हो गए, जिसने ये दुख झेला हो उसको मालूम पड़ेगा। लेकिन अब करें तो करें का, प्रधानमंत्री के पास तो कोई पुत्र है ही नहीं, सो उनका उनको दुख होगा, लेकिन जिसका पुत्र मरता है उसको दुख होता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं कि किसी भाषण में आप कह दो कि भानु प्रताप सिंह की सारी मांग पूरी की जाएंगी सत्ता में आते ही, तो हम अभी बदल भी सकते हैं, और यदि नहीं करोगे ये बात, ये काम नहीं करोगे तो जाओ सीताराम हो गया तुम्हारा, भजन करो। और एक और बात बता रहे, वैसे कायदे में तो हमसे राजीव गांधी मिले प्रधानमंत्री, देवगौड़ा मिले प्रधानमंत्री, नरसिंह राव मिले प्रधानमंत्री, और आपके इंद्र कुमार गुजराल मिले प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी, हम जिससे चाहते थे उससे मिलते थे, इनका समर्थन 14 में, 19 में, 17 में उत्तर प्रदेश में, 22 में उत्तर प्रदेश में, 23 में निकाय चुनाव में, देखिए इन्होंने एक हमें एक मिनट का समय नहीं दिया है, इसलिए हमें मालूम पड़ता है कि ये लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नहीं है, ये राजतंत्र के तानाशाह प्रधानमंत्री हैं, इसलिए इनको अब बूढ़े है गए, दाढ़ी मौज